तो अभी एक न्यूज निकल के आ रहा है, न्यूज ये निकल के आ रहा है कि जैसे कि आपको पता होगा बंगाल में एक लड़की का रेप हुआ है, मगर आज एक न्यूज निकल के आया रात के समय कि वहां पे जो एविडेंस था और वहां पे जितने भी डॉक्टर लोग थे उनको कुछ लोग आए, पता ही हो आपको कहाँ से आए होंगे, कुछ लोग आए और डॉक्टर को मारे पीटे, और वहां पे जितनी भी लड़कियां थी उनको भी मारा गया, वहां पे जो सबूत था उनको डिस्ट्रॉय किया गया, और कलकत्ता पुलिस वहां बैठ के देखती रही। मतलब आज हमारे देश में 15 अगस्त है, मगर एक सोचने वाली बात है कि हमारी देश की आज मानसिकता ऐसी हो गई है कि अगर हम देश में अपनी आवाज उठाएंगे तो हमको आगे कोई मार देगा, हम अपने देश में आवाज नहीं उठा सकते। तो ऐसा एक काम करते हैं ना, एक दिन प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, और सबको लाइन में लगा के आप लोग गोलियां मार दीजिए। जब देश की हमारी सिस्टम ऐसी हो गई है तो आप यही काम करिए ना, एक दिन लाइन में लगाइए हम जनता को, गोली मारना स्टार्ट कर दीजिए, सबसे बेटर ऑप्शन ये। तो वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पे जो लड़कियां प्रोटेस्ट करती, ऐसे ऐसे वीडियो निकल के आ रहे हैं वहां से जिसमें लड़कियों के हॉस्टल के पीछे में रूम में घुसने की कोशिश की जा रही है। ये क्या है देश में, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच धजिया उड़ गई है सिस्टम की, यहाँ की लोगों की, यहाँ की आम जनताओं की। कौन थे, कैसे मानसिकता वाले लोग थे, कहाँ से आए थे? आप सोचिए हमारे देश में ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, क्या उनकी बहन बेटी नहीं होगी? उनके लिए कोई आंदोलन नहीं करेगा एक दिन उनके गलती से उनके घर में बहन बेटी का रेप हो जाए? तो हमारे देश में ऐसे मानसिकता वाले लोग भी हैं जो रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो आज रेपिस्ट की सपोर्ट में खड़े हैं, मुझे शर्म आती है। आज ये घटना देख के मुझे शर्म आया कि जो हमारे देश के भविष्य हैं वो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां उनको सपोर्ट नहीं है, वहां की पुलिस सपोर्ट नहीं कर पा रही है, हाथ धरे ऐसे बैठ गई है। और वहां पे एक एसपी का बयान भी मैंने सुना कि लंबे लंबे इंग्लिश में फेंके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं ये वो 9-17। कहां थी आपकी सेंट्रल फोर्स? मॉम लिंची आते हैं डिस्ट्रो के चले जाते, कहां थी फोर्स आपको? आपको पता है कि अभी के टाइम में सबसे ज्यादा ये मुद्दा गरमाया हुआ है इस देश में, मगर हमारे देश के राज्य की पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा कि हाँ वहां फोर्स ज्यादा रखे। पहले से तो एक लड़की मरी हुई है रेप के वजह से, एक लड़की रेप की वजह से मर गई। आज किसी लड़की कोई कोई इंसान मर जाता उसका कौन जिम्मेवार होता? आप तो बड़े इजली बोल देते हैं यहाँ के लोग कि आंदोलनकारी आए थे वो डिस्ट्रॉय करके चले गए। देखिए अगर आंदोलनकारी को पकड़ना भी होगा ना, इतनी बड़ी बात नहीं आज के टाइम में देश में, ठीक है, अगर उनको पकड़ना भी होगा, पूछना भी होगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। सबकी वीडियो आई हुई है, कौन क्या तोड़ रहा है क्या नहीं तोड़ रहा है, पकड़िए उनको, पूछिए कि क्या मुद्दा लेके आए थे यहाँ पे, यहाँ क्यों तोड़ने आए थे। तरह तरह की वीडियो ट्विटर पे चल रही है कि हाँ वहां पे उसने ये तोड़ा वो तोड़ा, इनको पकड़ना बड़ा बात है, इनकी वीडियो है आपके सामने, तब आप नहीं पकड़ पाएंगे तब आप क्या कर सकते हैं? अब आपको कैसा सबूत चाहिए आप लोगों को कि वो जो आए होंगे उनको वही भेजा होगा ना जो ये डिस्ट्रॉय करना चाहता है? तो आप उनको पकड़ के पूछिए कि आप क्यों आए थे यहां पे, आप क्यों डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे? तो आप क्या बोल देंगे कि नहीं ये तो आंदोलनकारी आए थे, ये तो डिस्ट्रॉय करने आया था। अरे डिस्ट्रॉय करने आया था तो जो डिस्ट्रॉय कर रहा है उसका वीडियो नहीं है ट्विटर, आप हर जगह फैला हुआ है, उनको पकड़ा नहीं जा सकता। मगर पकड़ने का मूड हो तब ना, सॉल्व करने का मूड हो तब ना, मूड ही नहीं है सॉल्व करने का तो कहां से सॉल्व होगा भाई? बाकी आपकी क्या राय कमेंट में भी जरूर बताएं। बाकी जय जय भारत।